इस बारात को गौर से देखिए और जबलपुर के विधायक और प्रदेश के मंत्री का डांस भी देखिए। गजब का उत्साह है। बैंड बाजा बारात और मंत्री जी का डांस, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन अब ये भी देखिए कि इस टोली में जबलपुर के पुलिस कप्तान भी ठुमके लगा रहे हैं, कहीं आचार संहिता के उल्लंघन की तस्वीर तो नहीं। आपको ये भी बताते हैं, लेकिन पहले डांस के मजे लीजिए। गाना चल रहा है मैं हूँ डॉन। ये भी बता दे कि ये मंत्री जी हैं लखन घनघोरिया और पुलिस कप्तान हैं जबलपुर के अमित सिंह। आदर्श आचार संहिता की माने तो पुलिस कप्तान को नेताजी के साथ ठुमके नहीं लगाना चाहिए थे, लेकिन जोश में होश खो बैठे पुलिस कप्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक बार और देखिए मंत्री जी के साथ पुलिस कप्तान का ये डांस। ऐसे मुद्दे होंगे तो भाजपा का नाराज होना भी स्वाभाविक है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेश लोरावट मंत्री और एसपी के इस कृत्य पर सवाल उठाते हुए इस मामले को चुनाव आयोग लेकर जाने का कह रहे हैं। मुझे भी वो वायरल वीडियो मिला है पत्रकार मित्रों से, और जबलपुर के विधायक और अभी मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में श्री लखन घनघोरिया जी और उनके साथ एसपी जबलपुर अमित सिंह जी का एक वीडियो है और जिसमें वो साथ में नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम का है। और ये नज़दीकी बताती है कि किस तरीके की नज़दीकी एसपी साहब में और मंत्री जी में है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी इसीलिए ये मांग करती है कि इन्हीं नज़दीकियों को देखते हुए ये चुनाव प्रभावित होंगे। और इन्हीं एसपी जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में भी इन्हीं नज़दीकियों के कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ, उनके पुत्रों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की थी। इसलिए हमारी डिमांड है कि इसको देखते हुए चुनाव आयोग तुरंत एसपी जबलपुर का ट्रांसफर करे। तो आज चुनाव आयोग भी जाएंगे आप शिकायत करने के लिए? निश्चित है, हम चुनाव आयोग भी जाएंगे और चुनाव आयोग से मांग करेंगे, सीईसी में भी शिकायत करेंगे। और क्योंकि जिस तरीके का ये नृत्य वहां पर हो रहा है, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ये शोभा नहीं देता है कि सार्वजनिक रूप से किसी भी राजनेता के साथ इस तरीके का भोंडा प्रदर्शन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।